सबसे पहले आज की इस शाम में मैं यहाँ पर उपस्थित जो मंचस्थ विराजित कलाकार हैं और आप सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को वंदन करता हूँ। आज अमीर खुसरो जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसमें पहली प्रस्तुति आपके समक्ष जो करने जा रहे हैं, इनका ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर फिर भी परिचय देना एक औपचारिकता है, इसलिए मैं उसे निभा रहा हूँ। आपके समक्ष पंडित बाबूलाल गंधर्व जी के सुपुत्र नवीन गंधर्व जी, जो कि उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के शागिर्द हैं, वो आज हमारे समक्ष तबले पर अमीर खुसरो जी की कुछ चीज़ें पेश करेंगे। तो हम सुनते हैं नवीन जी को, धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक भाई ने कहा कि अमीर खुसरो जी की चीज़, उनकी चीज़ तो नहीं बजाऊंगा क्योंकि वो तबले के इन्वेंटर है वो, और बाकी जो जो काम किया है वो बड़े बड़े तबला प्लेयर्स ने बजा के किया है, तो उनको सिर्फ मैं एक अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने तबले का तो निर्माण किया ही सही, पर वो एक आप लोग सभी जानते हैं पर मैं बता देता हूँ कि वो पोइट फिलोसोफर थे, फिर सितार का भी उन्होंने निर्माण किया और काफ़ी कुछ उन्होंने सूफी संगीत में भी उनका उन्होंने इसका वो किया, मतलब इस दुनिया में सूफी संगीत को वो उन्होंने पैदा किया और दुनिया को इतना बड़ा गिफ्ट दिया म्यूज़िकली भी और बाय लिटरेचर भी। तो आज जो भी तबला प्लेयर्स जो भी बजाते हैं, हालांकि उन्होंने तो शायद तबला नहीं बजाया होगा इतना, पर उनकी मेहरबानी से हम लोग आज जो भी कुछ भी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ बनाई। और आज 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 दिन कितना अच्छा है कि आज तब तो तबले के लिए हम लोग उनको याद कर रहे हैं, और आज उस्ताद जाकिर हुसैन जी का भी आज जन्मदिन है, तो एक मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं आज के दिन ये तबले से, मतलब मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मैं तबला बजा रहा हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर ये मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं दोनों को मतलब याद कर रहा हूँ इस समय पे, और जितने भी आर्टिस्ट है और श्रोता है सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा, और कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हाँ, हमें जी ने इनवाइट किया है नीलाबेन, इनका तो सबसे पहले धन्यवाद, मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए। आज के ज़माने में तबला दो टाइप का होता है, एक तबला होता है कि सिर्फ मतलब पब्लिक के लिए बजाया जाता है, और एक तबला ऐसा होता है कि जिससे आर्टिस्ट खुश होते हैं और जिससे हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मतलब आगे तक जिंदा रहें। तो एक तबले से तो सिर्फ मतलब आम जनता खुश होती है, और एक तबला होता है जो जिससे आर्टिस्टों को अच्छा लगता है और हमारी जो पारंपरिक की जो म्यूज़िक की ट्रेडिशन है वो मतलब आगे तक जाती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें, कोई कोई चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि जिनको मतलब एक सालों तक मतलब बहुत रियाज़ करना पड़ता है उसके बाद आती हैं, तो वो जो इजी तबला है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं, पर मेरा यही बजाने का और यहाँ होने का यही एक कारण है कि मैं चाहता हूँ श्रोताओं को कि अच्छी चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहन दें, ना कि मतलब वो गुड़ 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 होता है, जैसे सितार के साथ तबला होता है तो सितार प्लेयर तो बहुत बहुत मेहनत करके बजाते हैं, पर जैसे फिर जैसे तबले वाले का टाना है, उसने कुछ थोड़ा सा गुड़ 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 किया पब्लिक टेस्ट, तो उसमें पब्लिक ताली बजाने लग जाती है, तो वो एक्चुअली चीज़ ठीक नहीं है, तो वो मुझसे अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना, छोटी मुँह बड़ी बात, पर यही चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ को आप लोग प्रोत्साहन दीजिए जिससे हमारा कल्चर आगे तक जिंदा रहे, नहीं तो विदेशियों को ऐसा ही लगेगा कि हमारा म्यूज़िक यही है, ये नहीं है, वैसे काफ़ी मुश्किल है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, तो बस एक छोटा सा कलाकार हूँ तो भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तीन ताल प्रस्तुत करूँगा।
एक रेला प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पुराने उस्ताद थे, उस्ताद वाजिद हुसैन खान साहब, तो वो इसको बजाते थे। उन्होंने काफ़ी इस रेले को पॉपुलर किया और अभी बहुत बड़े बड़े तबला प्लेयर्स बजाते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, उनका एक रेला है वो पुस्तक का। एक खास चीज़ में बजाने वाला था और उसी टाइम पर खास लोग कुछ आ गए हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नमस्ते गोविंद, नमस्ते रेखा। ये मुझे मेरे तबले से थोड़े खुश होके गुलाम अली साहब जो गज़ल गायक है, बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं, उनको बहुत एडमायर करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने उन्होंने जो सीखा था अपने टाइम पर, वो मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें दी, तो उसमें से एक एक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आमतौर पर शायद कोई तबला प्लेयर उसको हाथ में लेगा ही नहीं, पर मैंने उसको पहचाना और उस पर थोड़ी सी मेहनत की। अभी कितना बजा पाऊँ वो तो भगवान जानता है, पर ये बहुत खास चीज़ है, ये आम नहीं है। इसमें
ये तीन और ना किनारी, और ये जो मिडल का जो पार्ट है तीन उसका है, और उसके साथ साथ एक ग्रेस नोट भी है कड़ा, और फिर बाएं का भी काम उसी के साथ में करना, तो ये बहुत मुश्किल है, तो कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। वोकल म्यूजिक में गायकी में होता है, तो उसे तबले में भी थोड़ा सा उसको कॉपी करने की थोड़ी सी कोशिश होती है, तो ऐसी कंपोजिशन अल्लाह रखा खान साहब ने एक की थी, तो वो चीज़ आपको सुना रहा। ये भी बाएं बाएं से बहुत रिलेटेड है।
कुछ टुकड़े और कुछ घट टुकड़े। बरसात के वक्त कभी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उस टाइम पर क्या माहौल होता है? बादल गरजते हैं तो कुछ लोगों को जो असली तबला है वो समझ में नहीं आता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसे उसके उसके ज़रिए हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं।
धन्यवाद। बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, पर जो जो असली चीज़ बजाते हैं वो असली चीज़ ही बजाएंगे और इसको ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी जो जो परंपरा यही है, वो गिमिक्स वाली नहीं है। और हम दूसरे देशों में भी ये नहीं बताना चाहते कि हम लोग ये इजी संगीत करते हैं। हम लोग ये क्लासिकल संगीत इजी नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई मतलब वो क्लासिकल आर्टिस्ट बन जाता है तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो सब सबको यही, मेरे से जो छोटे हैं उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि भैया असली चीज़ बजाओ और बताओ भी यही कि हमारा म्यूज़िक ये है। बस कुछ गलतियाँ होंगी तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।